और ये G2020 का प्रचार हर जगह दिख रहा है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, तो आज का ब्लॉग बनाएंगे हम जयपुर का, क्योंकि आज मैं जा रहा हूँ दिल्ली से जयपुर और वहाँ पे मेरा कुवैत का गम का मेडिकल होने वाला है, जो कि मेरा कुवैत का पहले इंटरव्यू हुआ था तो इंटरव्यू में मेरा सिलेक्शन हो गया था। तो चलो स्टार्ट करते हैं अपना ब्लॉग और ISBT से हम पकड़ेंगे डायरेक्ट बस सीधा जयपुर के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो मैं आ गया साकेत मेट्रो और यहाँ से मेट्रो पकड़ेंगे ISBT के लिए, वहाँ से उतर के फिर बस पकड़ेंगे। तो यहाँ साकेत मेट्रो से कम से कम 15 स्टेशन है ISBT कश्मीरी गेट पहुँचने तक। मैं बैठ गया मेट्रो में, कम से कम 45 आधा घंटा लगेगा। तो अभी आ गया मैं कश्मीरी गेट और इसी को बोलते हैं ISBT भी। अब बाहर निकलते हैं यहाँ से। आपको कश्मीरी गेट आने के बाद एक नंबर 7 और एक नंबर गेट से आपको बाहर निकलना पड़ेगा, तब जाके आप बस अड्डे पर पहुँच सकते हो। तो अभी मैं इस लेटर से ऊपर जा रहा हूँ, गेट नंबर 1 से या 7 से एग्जिट करूँगा बस अड्डा जाने के लिए। और ये आ गया हमारा गेट नंबर 1, इससे आउट करते हैं। तो भाई गेट से मैंने एग्ज़िट कर लिया, 7 नंबर गेट से, बिल्कुल मेट्रो के पास ही है बस अड्डा भी, एकदम नज़दीक में दिखाता हूँ आपको मैं। ये रहा हमारा जो दिख रहा है, ये है बस अड्डा, ये सामने एकदम जस्ट गेट नंबर 7 के बाहर ही है ये। और ये गेट पे दिख रहा है कौन सी बस कहाँ जाएगी कितने बजे, और ये G2020 का प्रचार हर जगह दिख रहा है। तो मैं अपना चार्जर और डाटा केबल घर पर ही भूल गया था, तो एक मेरे को चार्जर या डाटा केबल दोनों ही लेना पड़ेगा, क्योंकि रास्ते में के लिए ज़रूरत पड़ेगा। तो सोच रहा हूँ खरीद, यहाँ पर दिख रहा है कहीं से ले लेता हूँ। कौन सा वाला दिखा रहे हो? ये वाला। तो एक डाटा केबल ले लिया, एक चार्जर ले लिया मैंने सफ़र के लिए, था नहीं मेरे पास। तो भाई अब टिकट काउंटर खुलते देखते कहाँ पे टिकट मिलता है। ये इसका फर्स्ट फ्लोर, नीचे जा रहे ग्राउंड फ्लोर पे हम। काफ़ी बड़ा है भाई, यहाँ पे खोजना पड़ रहा है हमें तो। और यहाँ पे देख सकते हैं कौन सी बस कहाँ जाती है। तो जयपुर के लिए लग रहा है और इंतज़ार करना पड़ेगा, अभी कोई बस ही नहीं है, मैं भी थोड़ी देर में आया। बट यहाँ से क्या है कि आपको हर जगह के लिए बस मिल जाएगी, अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है ये ISBT। तो भाई फाइनली मेरे को जयपुर वाली बूथ मिल गया है और जाएगी 12 बजे यहाँ पर जयपुर का। तो एक घंटा और इंतज़ार करना पड़ेगा, अभी 11 बज रहे हैं रात के। तो भाई एक जयपुर की टिकट है जो वो 750 रुपये का है, 750 रुपया, और लेडीज़ टिकट है 550 का। सही है, लेडीज़ों का फ़ायदा इसमें, और आपको वोल्वो AC का टिकट मिलता है, उससे कम का नहीं है यहाँ पे। तो चलो टिकट लेते हैं, देखते हैं, आपको दिखाता हूँ। एक नंबर 5 है ना, 3 एराम आप, पुरुष 750, महिला 541 रुपया, और जो 6 घंटे का सफ़र है हमारा, 20 किलो से ज़्यादा सामान ले जाओ तो चार्ज लगेगा। तो ये आ गया हमारा टिकट जी। तो भाई फाइनली मैंने टिकट ले लिया और 750 की टिकट पड़ी हमें। अगर एक घंटा पहले आप वापस करोगे तो 50% आपको मिल जाएगा पैसा, और आधा घंटा पहले होगे तो 80%, उसके बाद कुछ नहीं मिलेगा टिकट कैंसिल का। और 12 बजे बस आएगी, 12:30 बजे जाएगी। और ये रहा हमारा टिकट, देखो 750 रुपये दिख रहा है इधर। तो थोड़ा इंतज़ार करते हैं, एक घंटा भी टाइम है बस आने में। वेटिंग हॉल बना रखे हैं, बैठने उठने के लिए सब कुछ बढ़िया है, रेस्ट कर सकते हैं। तो भाई गाड़ी ने बहुत इंतज़ार कराया, 1 बजा दिया, 12 बजे आने वाली थी। ये रही हमारी गाड़ी, ये आ गई गाड़ी हमारी जयपुर की। तो फाइनली मुझे सीट मिल गया, अब आराम से सो रहा हूँ। तो 6-7 घंटे का सफ़र है, सुबह डायरेक्ट जयपुर उतरूँगा और सीधा मेडिकल कराने जाना है मुझे। तो तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, फिर मिलते हैं आपसे, जयपुर पहुँच के मिलता हूँ।